हेलो गाइस गुड इवनिंग आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फोर का एमसीक्यू याद होगा तो चैप्टर फोर एंड फाइव भी हम लोगों ने खत्म कर दिया था रिविजन का चैप्टर फोर के एमसीक्यूज को हम लोग उठा लेते हैं आपके पास ये एमसीक्यू बुक जरूर होगी और अगर नहीं है तो एकत्रम अकेडमी डॉट कॉम से आप ले सकते हैं आइए चैप्टर नंबर फोर के एमसीक्यूज को देखते हैं और इसको विथ लॉजिक समझते हैं हमारा वही रहेगा कुछ एमसीक्यूज आप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग क्लास में ले लेंगे राइट चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से दीजिए आपका जवाब इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रिफर्स टू इज द आंसर फॉलोइंग टू ए अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन्स फॉर द परपज ऑफ प्राइस क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट अबाउट द मार्केट इट बी नो बार्गेनिंग फॉर प्राइस जबकि मार्केट के अंदर का बेसिक रूल ही है बार्गेनिंग होनी चाहिए एट्थ पे आइए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कौन सा मार्केट होता है आई गेस कैश एंड फॉरवर्ड मार्केट ही नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे किया गया मार्केट है येस yes. कमोडिटीज आर सोल्ड इन स्मॉल क्वानिटी मार्केट इज इट अल मार्केट वेरी गुड इलेवेंथ हु कन्विंस द टाइम एलिमेंट इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं टाइम एलिमेंट किसने बोला था एल्फ्रेड मार्शल थर्टींथ को लेकर आइए बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मार्केट में भी क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन के बेसिस पे इज इट अगेन स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे तो दो ही थे हमारे पास सिक्सटींथ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज अ ऑन द बेसिस ऑफ अगेन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज इट फ्यूचर मार्केट और स्पॉक मार्केट क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा है इसीलिए तीनों बार ये रिपीट कर रहे हैं हम लोग ये सोनो चलिए सेवनटींथ बताइए एन एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी सेट टू एन इंटरनेशनल मार्केट कौन से मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा इज इट बी हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होने के लिए उसका क्वांटिटी ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं पे भी ट्रेडेबल हो अब देखो पेरिशेबल गुड्स है इंटरनेशनल मार्केट में चलेंगे नहीं खराब हो जाएंगे प्रोडक्ट ट्रेडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड वो तो वैसे ही ट्रेड नहीं हो सकते बल्कि आर्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज एटीन भी बता दीजिए स्टॉक मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट ट्वेंटी वन का डी क्यों नहीं आएगा मनी मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट सर क्योंकि हमारे पास मार्केट के जो डेफिनेशन दी हुए मनी मार्केट के अंदर में सिर्फ स्टॉक मार्केट आता है इसीलिए उसका आंसर डी नहीं आ सकता ट्वेंटी वन डैश आर दोज मार्केट इन विच फर्म्स बाय द रिसोर्सेज दे नीड कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस फर्म बाय द रिसोर्स तो आपका ये कौन सा मार्केट है डोंट यू थिंक सो लैंड लेबर कैपिटल एंड आंटरप्रेन्योर आर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो इनका मार्केट कौन सा मार्केट हुआ फैक्टर मार्केट समझ में आ रहा है क्या बॉस मार्क दिस एज इंपोर्टेंट ट्वेंटी फोर अगेन एक और बार पूछा था यही रेगुलेटेड मार्केट बोल सकता हूँ? ठीक है ट्वेंटी फाइव पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर एग मिल्क एटसेट्रा आर विल हैव अ लोकल मार्केट ओनली एवरीबॉडी यस ट्वेंटी नाइन मोनॉप्सॉनी मीन्स मोनोसोनी का मतलब तो सेम ही होगा बॉस इज देयर ओनली सिंगल बायर तभी हम उसको मोनोसोनी सिंगल सेलर होता मोनोपोली मतलब, बोला जाता है सिंगल बायर है मतलब मोनोसोनी बोला जाता है क्लियर है मालिक 31 देर आर फ्यू सेलर बोल रहा है फ्यू सेलर में क्या होता है कौन सा मार्केट होता है बेटा ओलिगोपोली यस चलिए थर्टी थ्री अरे इंपॉर्टेंट है भाई एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस याद कर एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू को पी इन टू क्यू अपॉन क्यू भी बोला जाता है क्यू क्यू कट तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस समझ में आया क्या थर्टी फाइव टोटल रेवेन्यू कर्व इज टोटल रेवेन्यू कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड भैया रेवेन्यू कर्व है कॉस्ट कर्व नहीं है वो टोटल रेवेन्यू कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड ये भी इजी है थर्टी नाइन मार्केट इज इंपॉर्टेंट टोटल प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज वेन प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा कब होगा देख टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल तो कॉस्ट हुआ तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ ठीक है कॉस्ट एक्स ये तो इक्वल हो गया ठीक है कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ऊपर रहा तो ये क्या हो गया लॉस टोटल रेवेन्यू कर्व एंड टोटल कॉस्ट कर्व आर पैरेलल ये दोनों भी क्या हुए इक्वल तो आपका प्रॉफिट तभी होगा व्हेन रेवेन्यू इज हायर देन कॉस्ट आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हेन रेवेन्यू इज हायर देन कॉस्ट फोर्टी व्हेन प्राइस इज ट्वेंटी क्वांटिटी डिमांडेड इज टेन बराबर है वेन प्राइज इज डिक्रीज बाय फाइव परसेंट क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज बाय टेन परसेंट मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेट करना पड़ेगा बोलिए सर is your answer coming to नाइन आइए मैं समझाता हूं आंसर कैसे आया बेटा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बोलो मार्जिनल रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू एट एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस वन अब बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन इतना प्यारा ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है प्राइस जब ट्वेंटी है क्वांटिटी डिमांडेड टेन है मतलब याद करो टोटल रेवेन्यू क्या होता है टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इन क्वांटिटी एवरी बड़ी टोटल इज प्राइस इनटू क्वांटिटी जब प्राइस बीस रूपए था क्वांटिटी डिमांडेड दस रूपए था तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना बना होगा ठीक है फिर वो बोलते इफ प्राइस इज ट्वेंटी माइनस फाइव परसेंट करो ट्वेंटी माइनस फाइव परसेंट मतलब आपका प्राइस कितना आ गया होगा उन्नीस तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज प्राइस नीचे आया होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर गया होगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय टेन परसेंट क्वांटिटी पहले कितना था दस प्लस दस परसेंट करो तो so, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई होगी ग्यारह टोटल रेवेन्यू एट टेन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यूट एन माइनस वन आंसर शुड बी नाइन सी समझा कैसे आया चलो इधर देखो 41 वन अगेन इफ द सेलर ऑफ 6000 सिक्स थाउजेंड आफ्टर सेलिंग फिफ्टी यूनिट्स मतलब टोटल रेवेन्यू कितने सेल हुए एंड आफ्टर थ्री सिक्स टू जीरो का टोटल रेवेन्यू बन गया देन मार्जिनल रेवेन्यू कितना है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एट एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस वन सिक्स टू जीरो फोर माइनस सिक्स थाउजेंड आंसर क्या आना चाहिए टू जीरो फोर अरे एवरीबडी आंसर क्या आना चाहिए टू जीरो फोर अब ध्यान से सुनना कई बच्चे बोलेंगे इसका आंसर टू जीरो फोर है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी गलती है मैं आपको क्लियर भी बता दूँ यहां पे वो पूछना चाह रहा है जो वर्ड मिसिंग है पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे ही दिया था वो पूछना चाह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ अब मार्जिनल रेवेन्यू हम जब भी निकालते हैं ये डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू हुआ शायद इसमें एग्जामिनर का पूछने का ही मीनिंग ये था कि मार्जिनल रेवेन्यू पर यूनिट कितना चेंज हुआ पर यूनिट चेंज कितना हुआ इसलिए आप देखेंगे 204 डिवाइडेड बाय तीन आंसर 68 होगा ठीक है बट यहां पे ये क्वेश्चन के फ्रेमिंग के अंदर में ही गलती था और ये मेरे तरफ से नहीं है एज इट इज उनके तरफ से ही दिया था यहां पे एग्जामिनर ने पूछना चाहिए था मार्जिनल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ चेंज कितना हुआ समझ में आ रही बात इसीलिए आपको आंसर 68 देखने को मिलेगा और अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करें टोटल चेंज इन रेवेन्यू वो 204 है पर चेंज पर यूनिट कितना हुआ है वो 68 है समझ आ रहा है बात तो ये एक बात याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करते वक्त लगे कि गलत है मैं खुद मानता हूं ये गलत है और उन्होंने दिया ही क्वेश्चन वैसा था यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए था पर यूनिट ऑफ चेंज लॉजिकली तो टू जीरो फोर ही आना चाहिए अगर एग्जाम में कुछ आता है तो यस आइए फोर्टी फोर करते हैं चलिए 44 फोर सॉल्व कीजिए एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 15। एंड व्हेन प्राइस इज 38, क्वांटिटी डिमांडेड इज 16। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 15 टू 16? आई गेस बड़ा सिंपल है फोर्टी इंटू फिफ्टीन कितना आ रहा है बेटा ये सिक्स हंड्रेड थर्टी एट इंटू सिक्सटीन ये कितना आ रहा है सिक्स ज़ीरो एट कितना आ रहा है सिक्स ज़ीरो एट बराबर है ना तो डिफरेंस कितने का आ रहा है एट मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला है टोटल एट टेन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यूट एन माइनस वन सिक्स ज़ीरो एट माइनस सिक्स हंड्रेड इज़ द आंसर एट बेटा समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे आया दोस्त हो गया फोर्टी फोर चलो फोर्टी फाइव सॉल्व करो मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट एवरी वन यस और नो चलिए फोर्टी सेवन सोल्व कीजिए ज द आंसर फोर बड़ा सिंपल है भैया जब हम सेवन यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल रेवेन्यू कितना था फोर्टी टू जब हम एट यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल रेवेन्यू कितना पहुंच गया फोर्टी सिक्स तो अगेन मार्जिनल रेवेन्यू का तो वही फार्मूला है ना दोस्त टोटल रेवेन्यूट माइनस टोटल रेवेन्यू टेन माइनस वन फोर्टी सिक्स माइनस फोर्टी टू इज इक्वल टू फोर आंसर शुड बी सी फॉर्मूला याद कर लो सब हो जाएगा कोई डरने वाली बात नहीं है क्वेश्चन देख के डरना है घबराने जैसी कोई बात नहीं है फिफ्टी द अनादर नेम फॉर डिमांड कर्विस रेवेन्यू कर्व अब यहां पे भी क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है उन्होंने एग्जामिनर ने एक जनरल पर्पज स्टेटमेंट दिया है जनरली जब इकोनॉमिक्स में बोला जाता है ना रेवेन्यू कर्व इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं डिमांड कर्व और ये जनरल स्टेटमेंट है हालांकि टाइप ऑफ मार्केट के हिसाब से ये बदलता है बट ये एक जनरल स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन uh, है तो यू नो द नेम ऑफ अनादर नेम ऑफ डिमांड कर्व कर्व इज एवरेज रेवेन्यू इसका मीनिंग ऐसा होता है कि भैया जब आप डिमांड कर्व बनाते हैं उतना ही प्रोडक्ट अगर आप करें करेंगे सेल करेंगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना बनेगा ऐसा 52 पे आई है द आंसर ए मार्जिनल रेवेन्यू फिफ्थ यूनिट पे चाहिए तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है टोटल रेवेन्यू एट एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस वन फोर हंड्रेड माइनस थ्री सिक्सटी इस दंसर फोर्टी हमें फिफ्थ यूनिट पे निकालना है ना ये अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जो हम करके आए चलो 57 कर लो और एक प्रैक्टिस कर लो 58 तो दो मिनट का जवाब है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी 57 करो वहां पे एट वर्ड कुछ गलत आया है उसको कट कर दो रहे अगेन वही फॉर्मूला देखो जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके ना सब क्वेश्चन इसी तरीके से सिर्फ फिगर बदलते वो लोग कुछ नहीं आपने बेस कंसेप्ट ऑलमोस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए ऑलमोस्ट हर पैटर्न के क्वेश्चन ले लिए टोटल रेवेन्यू एट एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट एन माइनस वन तो आपका आंसर आता है बेटा ट्वेल्व एट भी दो मिनट में कर लो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इन क्वांटिटी। यस कम ऑन 65 स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू इज इट द आंसर सी मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू चेंज इन क्वांटिटी आप ये दो अब आप कट भी कर सकते हैं ये ओल्ड सिलेबस के अंदर में कवर होता था तो सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन आप कट कर दीजिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सेवेंटी पे आइए और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अब ये क्वेश्चन का आपको वो बता देता हूं इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था बुक के अंदर में दिया हुआ था बस वो फॉर्मूला क्या था ये याद कीजिए आंसर इज ए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई चलिए सेवेंटी वन वेन ई इज इक्वल टू वन द मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव वेन ई इज लेस देन वन जल्दी से बोलो वेन इलास्टिसिटी इज लेस देन वन तो हम मार्जिनल रेवेन्यू को क्या मानते हैं निगेटिव वेन ई इज ग्रेटर एक मिनट वेन ई इज इक्वल टू वन मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे जीरो आना चाहिए इज इक्वल टू वन बोला है उन्होंने ई इज इक्वल टू वन ये क्या आता है जीरो इज लेस देन वन ये क्या आता है निगेटिव इज ग्रेटर देन वन ये क्या आता है पॉजिटिव सेवेंटी एट मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट ये आपके मॉड्यूल का भी है यही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का भी है फर्म इज प्रोड्यूसिंग बताइए अरे भैया जब एम आर इज हायर देन एम सी इसका मतलब आप ऑलरेडी क्या है प्रॉफिट में है और प्रॉफिट को अगर इंक्रीज करना है तो आपको अल्टीमेटली किसको बढ़ाना पड़ेगा आउटपुट को ही इंक्रीज करना पड़ेगा आंसर शुड बी डी बराबर है सेवेंटी नाइन इन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट इज इक्वल टू बोलो बेटा वन एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जब होती है इस पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है मिड पॉइंट पे एक्जैक्टली डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे वो कितना होता है वन अगर ऊपर गया या नीचे गया तो वो मोर देन वन या लेस देन वन हो जाएगा आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बस आपको समझना है अगर डिमांड कर पे एक्जैक्टली मिड पॉइंट पे है मतलब इक्वल टू वन होगा वो ऊपर चले गए तो मोर देन वन नीचे चले गए तो लेस देन वन तो आंसर शुड भी इक्वल टू वन होना चाहिए मार्केट इज इम्पोर्टेंट अगेन एट्टी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है जो पहले भी दिया हुआ है जवाब दे दो फटाक से विच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू वन माइनस ई अपॉन ई बस उन लिखते वक्त अलग लिखा है समझ में आ रहा है क्या चलो 84 मार्जिनल रेवेन्यू पे बहुत क्वेश्चन हो गए बिहेवियरल प्रिंसिपल पे बात कर ले 84 फोर इस दंसर सी क्योंकि दोनों भी बिहेव हमारे पास दो ही बिहेवियरल प्रिंसिपल थे फॉर्म शुड रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट यस और नो और जब तक के आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट या इक्वल टू भी मार्जिनल कॉस्ट है तो आपने तब तक के प्रोड्यूस करना चाहिए 85 रिपीटेड क्वेश्चन है 86 87 एटी भी रिपीटेड क्वेश्चन है 88 द फॉर्म शुड डैश इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट डज नॉट डैश इट्स टोटल वैल्यूएबल कॉस्ट अब आपको एक बात बताओ क्या दर इज नथिंग कॉल्ड एज वैल्यूएबल कॉस्ट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पे वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए ठीक है अ फर्म शुड डैश इफ रेवेन्यू डज नॉट डैश बहुत सिंपल लाइन है आपने पहली भी पढ़ी है एक बार में नहीं समझ में आया दो बार पढ़ो और याद करो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन याद करो बिहेवियरल प्रिंसिपल क्या था पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल था फर्म शुड रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फर्म शुड शट डाउन अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस इफ टोटल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू और एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो ये क्या है ये वो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है बिहेवियरल प्रिंसिपल वाला कंडीशन है कि फर्म अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही तो उसने प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए 90 ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा एमसीक्यू करने की यही आपके लिए एडेड एडवांटेज क्रिएट करेगी तुम अकेले घर पे बैठे बैठे तो ये कभी नहीं करने वाले थे एज बिहेवियर प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है पहला इफ एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एड्स मोर टू रेवेन्यू देन टू कॉस्ट दैट कॉस्ट दैट यूनिट विल इंक्रीज प्रॉफिट नी यूनिट प्रोडक्शन अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा रहा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट तो क्या यह आपके ओवरऑल प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी येस यानी लाइन तो करेक्ट है दूसरा इफ एनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एड मोर टू कॉस्ट देन टू इट्स रेवेन्यू इट विल डिक्रीज प्रॉफिट अगर आपके कॉस्ट बढ़ा रहा है पर रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहा दैट विल इंक्रीज कॉस्ट मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट वेयर एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम अ यूनिट इक्वल्स टू योर एडिशनल कॉस्ट ये अगर आपका ए आर इज इक्वल टू ए सी तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आंसर शुड बी डी ये चलिए 93 एंड 94 करिए बोर्ड डिमांड एंड सप्लाई 94 व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन हम इसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहते हैं याद आ रहा है क्या हम इसे क्या कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कहते हैं अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से मैच कर देता है तो हम्म, बोलो 95 भी करो द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टन व्हेन आंसर सी डिमांड एंड सप्लाई याद करके देखो ये कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व अगर डिमांड एंड सप्लाई कर्व साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होती है बट प्राइस डिटरमाइन हो सकता नहीं तो बाजू में लिखिए साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड ऑब्लिक सप्लाई कर्व साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड ऑब्लिक सप्लाई कर्व 96 सिक्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस बताओ क्या होगा आई से द फोर विल बी इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड यस, हंड्रेड With a given supply curve, a decrease in demand causes. Market is important. क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए A B C या D? तो so, आंसर आना चाहिए C. With a given supply curve. डिक्रीज इन डिमांड अब मुझे एक बात बताओ सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम हो गई प्राइस किधर जाएगी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी दो की डिमांड है दस का सप्लाई है प्राइस किधर जाएगा नीचे सो विन गिवन सप्लाई कर इफ द डिमांड डिक्रीज प्राइस किधर जाएगी नीचे ओवरऑल डिक्रीज इन द प्राइस इट विल है ओवरऑल डिक्रीज इन द प्राइस देखो डिमांड क्यों? नीचे जाएगा तो सप्लाई कर्व तो वैसे ही रहेगा लेकिन डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा जब डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो देर विल बी डिक्रीज इन इक्विलियम क्वान्टिटी है ना बाजू में लिखिए इफ डिमांड डिक्रीजेज and supply is constant and supply is constant the price goes down and demand curve shift to left causing equilibrium quantity to decrease causing an equilibrium quantity to decrease चलो वन जीरो वन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो बोलो अब क्या होगा इफ सप्लाई डिक्रीज डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट इधर देखो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज सिंपल है मालिक वन जीरो एट प्राइस इज फोर्स टू स्टे बिलो इक्विलिबिरियम प्राइस कॉन्सिक्वेंटली इट कैन बी सेट दैट एक्स इज डिमांड एग्जिस्ट कंसेप्ट को वापस पढ़ो प्राइस इज बिलो इक्विलिबिरियम प्राइस इक्विलिबिरियम प्राइस कब नीचे आएगा जब डिमांड एक्सेस डिमांड हो रही है बराबर है जब एक्सेस डिमांड हो रही है तो क्या होगा प्राइस विल बी फोर्स टू स्टे बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस वन 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 सप्लाई इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रपोर्शन देन डिमांड सप्लाई अगर ग्रेटर प्रपोर्शन में बढ़ रहा है डिमांड से क्या मैं कह सकता हूं द न्यू इक्वलिबीरियम प्राइस विल बी लोअर देन ओरिजिनल इक्वलिबीरियम एंड न्यू इक्वलिब्रियम क्वांटिटी विल भी हायर एज इट इज लाइन थी एज इट इज लाइन थी कहाँ हमने पढ़ी थी सर चेंज इन सप्लाई कर्व में तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के अंदर की यह लाइन है आपको ये लाइन थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि वर्ड्स बहुत भारी भारी आ जाते हैं तो आपको यू you नो know, वो याद नहीं रहते बाजू में लिखी कंसेप्ट है चेंज इन सप्लाई कर्व ंड्रेड एंड ट्वेल्व अज्यूम द कंजूमर इनकम एंड नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट फॉर अ गुड बोथ डिक्रीज इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कंज्यूमर की इनकम भी नीचे जा रही है नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट भी नीचे जा रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कॉन्क्लूड विथ सर्टेनिटी दैट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताइए इक्वलिब्रियम क्वान्टिटी विल ऑल्सो डिक्रीज अरे जब नंबर ऑफ सेलर इगर जाएंगे तो क्वांटिटी कहां से सेम रहेगी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी एज इट इज लाइन है बेटा पूरी, पूरी। Supply, in की पूरी सप्लाई इंक्रीज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड बुक के अंदर की एज इट इज लाइन है उसके लिए कंसेप्ट आपको वापस पढ़ना पड़ेगा इसी है। कम टू 120 देखो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट पॉसिबल आउटकम व्हेन सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट इन द सेम डिरेक्शन अगर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है सेम डिरेक्शन में तो क्या होगा रीड ऑल द आंसर केयरफुली बोलिए तो सर सेम लाइन है जो तुमको याद नहीं रह रही है ये लाइन को याद रखना पड़ेगा अगर सप्लाई और डिमांड सेम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस चेंज नहीं होगा इधर देखो इस कंसेप्ट को फिर से एक बार समझ लो डिमांड 10 से इंक्रीज हुआ सप्लाई भी 10 परसेंट से इंक्रीज हुआ अब मेरे को एक सोच समझ के बताना प्राइस चेंज होगा क्या सवाल ही नहीं उठता डिमांड सी सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो प्राइस नीचे चल जाएगा डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो प्राइस ऊपर चले जाएगा अब मुझे एक बात बताओ ये भी दस परसेंट से बढ़ा ये भी दस परसेंट से बढ़ा तो प्राइस तो चेंज हो ही नहीं सकता पर क्वांटिटी जरूर चेंज हो जाएगी आंसर शुड बी बी वेन वोट डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज बट चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टन क्योंकि प्राइस तो कुछ भी पहुंच सकता है ना क्वांटिटी इंक्रीज से ये भी दस परसेंट से बढ़ा ये भी दस परसेंट से बढ़ा प्राइस अनसर्टन रहेगा पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज 123. Which of the following is not an essential for perfect competition? Absence of transport cost? Yes. So, 124 be under perfect competition. The price elasticity of the demand of the firm is under perfect competition. प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट अगर हम वैसे भी कोई भी चीज को इलास्टिक कह रहे हैं तो वह इन्फाइनाइट पर ही चल रहा है वन ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या नहीं चाहिए लार्ज नंबर ऑफ बायर फॉर्म चाहिए यस yes. मोबिलिटी चाहिए फ्रीडम yes. चाहिए yes. advertisement, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होती वन थर्टी मार्केट इज इम्पोर्टेंट अ फर्म टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजिशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन ज टू सैटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना यहां पे सी और डी दोनों ही करेक्ट आंसर है है ना तो एक ये एम सी क्यू यहां पर शायद गलत हुआ इसको शुड नॉट कर दो ताकि आपका जवाब कॉन्स्टेंट रहे याद करो ना इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए द एम सी मस्ट कट द एम आर फ्रॉम बिलो विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ज इट ऑल ऑफ दर्टी टू भी कर लो इन अ मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड कर विज ऑल्सो नोनेस अमोन तुमने पहले भी जवाब दिया है डिमांड कर विज ऑल्सो नोनेस एवरेज रेवेन्यू करव डिमांड कर विज ऑल्सो नोन एस एवरेज रेवेन्यू करव वन थर्टी सिक्स What is true about a perfect competition? A AR is equal to MR is equal to price one thirty eight MR is equal to AR is equal to demand curve. ये कौन से फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिशन वन फोर थ्री द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इनफाइनाइट वन फोर्टी फोर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा इनमें से कौन सी सिचुएशन हो सकती है मार्जिनल रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट यस टोटल कॉस्ट क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो हम दोनों कंसिडर करते हैं ना बेटा वहां पे इकोनॉमिक प्रॉफिट पूछा है इकोनॉमिक्स में हम दोनों तक कॉस्ट कंसिडर करते हैं इसीलिए हमें टोटल कॉस्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा समझ आ रही है बात फिफ्टी वन क्वेश्चन है आंसर शुड बी परफेक्ट कॉम्पिटिशन वन फिफ्टी भी देख लो अंडर विच फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस इज इट परफेक्ट कॉम्पिटिशन फिफ्टी प्योर कंपटीशन का क्या फीचर है देर शुड बी एब्सेंस ऑफ मोनोपली मोनोपली रहेगी तो कंपटीशन किधर से हो पाएगा आंसर शुड बी एब्सेंस ऑफ मोनोपली परफेक्ट कंपटीशन की और सारे क्वेश्चन हैं 165 इज द आंसर इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कोई एक फॉर्म डाइल्यूट नहीं कर सकती गवर्नमेंट तो देती नहीं सोसाइटी भी नहीं देती इंडस्ट्री इज द राइट आंसर 161 थोड़ा वापस पीछे आओ 161 ंग दॉलोइंग मार्केट सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज अन अ मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन को मिथ भी कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता यस मोस्टली इंडिया में जो वर्क करते हैं वो यू नो मोनोपोलिस्टिक मार्केट वर्क करते हैं वन सिक्सटी नाइन द आंसर इज ऑल ऑफ दिप्रियम में होता है इक्विलीप्रियम मतलब ना ज्यादा है ना कम तो बी और सी ऑप्शन वैसे ही कट गए एंड मैक्माइज प्रॉफिट वेन यू आर एट इक्विलीप्रियम यू आर मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट आंसर शुड बी डी वन सेवेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर ये प्राइस टेकर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आंसर इज सी निगेटिवली स्लोप डिमांड कर किसका होता है मोनोपली का होता है किसका होता है बेटा मोनोपली एंड मोनोपली इज अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर तो प्राइस टेकर को कभी भी निगेटिवली स्लोप डिमांड कर मिल ही नहीं सकता उसको रादर पैरेलल यू नो टू एक्स एक्सेस मिलेगा चलो वन सेवेंटी सिक्स वट इज द शेप ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इट पैरल टू एक्स एक्सेस अभी यही बात तो कर रहा था मैं वन सेवेंटी नाइन पैरल टू एक्स एक्सेस एक ही होता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन खुद भी बुलाती है मगर जाने का नहीं जीवन में 185 वापस से वही है पैरल टू एक्स एक्सेस 189 इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना लगभग 450 क्वेश्चन रखे हैं कॉम्पिटिटिव फॉर्म शुड शट डाउन द प्रोडक्शन इफ द प्राइज इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 190 नाइनटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सी क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक ही जन कर सकता है वो है मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन में कर ही नहीं सकते 194 कम ऑन कई बार कर दिया रिपीटेड क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट Even. चलो टू जीरो थ्री डिमांड कर्व इज हॉरिजोंटल यहां पर आईओ एन है होना चाहिए इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ओनली देखो कितने बार एक एक, 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 एक सवाल आपसे पूछे गए हैं टू जीरो नाइन शॉर्ट रन सप्लाई कर ऑफ अ फर्म इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट फॉर अ प्राइस अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल सप्लाई मैक्सिमम यूनिट बिकॉज द फर्म इज अनेबल टू मीट इट्स वेरिएबल कॉस्ट आंसर शुड बी ए अगर आपको क्या करना है बॉस प्रॉफिट बनाना है कॉम्पिटेटिव मार्केट में आपका सेलिंग प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होना चाहिए नहीं तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी एनेबल हो जाएंगे रिकवर करने के लिए 216 ए आर मस्ट बी हायर देन ए सी जाके देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या लिखा था अपन ने देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या था ए आर मस्ट बी हायर देन एसी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब आता है ए आर मस्ट बी हायर देन बोलो बेटा एसी चैप्टर हम्म यहाँ पे तो ये ऑप्शन ही नहीं है कैसे नन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव में आप कब प्रॉफिट कमा रहे होंगे वेन ई आर इज इक्वल टू एम आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूछा है ब्रो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यू आर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट वेन ई आर इज इक्वल टू एम आर 224. In which of the market prices are determined by market forces of demand and supply? In which market prices are determined by market forces and demand? Is it perfect competition only? 226. आंसर शुड बी सी पहले भी कर चुके हम टू थर्टी फोर वॉट आर द कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिबरियम फॉर अ कॉम्पिटिटिव फॉर्म एक्चुअली ऑल ऑफ दिस मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस आंसर शुड बी ऑल ऑफ दिस टू फोर्टी वन इज डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट एक्सिस्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन है आइए मोनोपली पे चलते हैं टू अंडर मोनोपोली मार्केट MR इज लेस देन AR अब इसको लेस देन AR क्यों बोलते हैं ये देखो MR कर्व जो होता है ना ये MR लाइन ऐसी, ऐसी होती है और AR लाइन ऐसी होती है इट लाइज हाफ वे बिटवीन Y एक्सिस एंड एयरलाइन इट लाइज हाफ वे बिटवीन Y एक्सिस एंड एयरलाइन तो MR जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू से हमेशा क्या होता है नीचे स टू फिफ्टी वन इन अ मोनोपली मार्केट अ प्रोड्यूसर हैज कंट्रोल ओनली ओवर मोनोपली मार्केट में कंट्रोल किस चीज का होता है बताइए इज द आंसर आंसर बोलो जल्दी से ए डिमांड पे कैसे कंट्रोल कर सकता है मोनोपोली? वो डिमांड को सप्लाई कर सकता है उसका कंट्रोल प्राइस पे होता है टू फिफ्टी फाइव अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइज इज वेरी कंसिडरेबल टू फिफ्टी एट Which market is having single seller and single buyer? Is it called as bilateral monopoly? 261. In monopolistic market, there are स्ट्रॉन्ग बैरियर वैसे जो क्वेश्चन है ना इसमें मोनोपोलिस्ट होना चाहिए था वहां पे लिखते वक्त मोनोपोलिस्टिक कर दिया गया है द क्वेश्चन शुड बी मोनोपोलिस्ट मार्केट देर आर स्ट्रोंग बैरियर टू एंट्री Yes? टू सिक्सटी फाइव सपोज द डिमांड कर स्लोब्स डाउनवर्ड एंड टू राइट डिमांड कर स्लोब्स डाउनवर्ड डिमांड कर सिर्फ कहाँ डाउनवर्ड होती है बेटा मोनोपली में आंसर क्या होना चाहिए सा लाइन मोनोपली को दिखाता है सी इट इज नॉट अ प्राइस टेकर क्योंकि वो क्या होगा मोनोपली बाजू में लिखो ओनली मोनोपली हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व 267 वट इज द शेप ऑफ मोनोपलिस्ट एवरेज रेवेन्यू कर्व हम्म एंड द आंसर इज ए ये देखो ना ऐसा फॉल होता है वो डिमांड कर्व तो लेफ्ट से कहाँ जा रहा है राइट सेवेंटी नेचुरल मोनोपोली अराइज वेन देर आर लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे वैसे आपके क्या आ जाएगा नेचुरल मोनोपोली हम्म चलिए टू सेवेंटी फाइव एट पी वन फॉर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस पी वन पे ये पी वन पे फॉर्म क्या प्रोड्यूस करेगी झीरो आउटपुट बहुत सारे बच्चों ने जब यह क्वेश्चन बुक में देखा होगा उनको समझा ही नहीं होगा मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको पी वन पे पी वन मतलब कुछ इधर है एग्जैक्टली exactly इधर है ये पी वन इधर है अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे मेरा प्राइस है डोंट यू थिंक ये तो शट डाउन पॉइंट हुआ इफ द प्राइज इज लेस देन वी आर नॉट एबल टू रिकवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिकवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो वी शुड नॉट प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस का मतलब जीरो आउटपुट समझ आ रहा है क्या बात मान लिखिए बाजू में एट पी वन Price is less than average variable cost. Since we cannot recover the price, we should shut down. टू सेवेंटी नाइन वॉट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिविरियम एमआर मस्ट भी इक्वल टू एम सी टू एटी टू मोनोपली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पूछ रहे हैं वो मैं कह सकता हूं व्हेन ए आर इज ग्रेटर देन ए सी आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे टू एटी सिक्स इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट The firm may continue in short run in order to minimize its loss। भाई शॉर्ट रन में तुम कंटिन्यू कर सकते हो अगर तुम्हारा मार्केट प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे है। बट अगर ये लॉन्ग रन में कंटिन्यू हो गया तो आपका फॉर्म ने क्या कर देना चाहिए शट डाउन टू नाइनटी फाइव डी कॉम्पिटिटिव फॉर्म कब से डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए मोनोपोली फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन करते हैं 299 फॉर और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टू मार्केट मस्ट बी डिफरेंट तभी जाकर के तो एक्चुअली आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे क्योंकि जिस मार्केट में प्राइस इलास्टिक है वहां पे कम में बेचो और जिस मार्केट में इन इलास्टिक है उधर ज्यादा में बेचो थ्री प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन का मतलब क्या होता है यूनिक प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन यू कम अप अ डिफरेंट प्रोडक्ट अब देखो इसका आंसर ना यू नो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की अगर बात करें अगर मैं यहां पे वर्ड यूनिक प्रोडक्ट रखता ना तो आंसर शायद मोनोपली होता पर हम यहां पे रख रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन आंसर इसका मोनोपलिस्ट होना चाहिए समझ आ रही बात नहीं तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये मोनोपोलिस्ट भी तो हो सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट है इसके लिए देखिए मोनोपोलिस्ट के लिए बहुत क्लियर है यूनिक प्रोडक्ट चाहिए मोनोपोलिस्टिक डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं थ्री जीरो सिक्स मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स हिम प्राइस ऑफ गुड्स हुज इलास्टिसिटी इज लेस देन वन जहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां पे वो प्राइस क्या कर सकता है फिक्स मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स हिम प्राइस ऑफ गुड्स हुज इलास्टिसिटी इज लेस देन वन सर थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व Competitive firm competitive firm in the long run can earn only normal profit three hundred and seventeen combination of monopoly market and monosony market is called as bilateral monopoly. समझा क्या बाइलेट्रल मोनोपली Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट competitive मार्केट ज द आंसर सी क्योंकि डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर सिर्फ किधर मिलता है मोनोपली तो आंसर शुड बी सी 322. इन द लॉन्ग रन मोनोपलिस्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन आर सेम बिकॉज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट दोनों को आगे चल के सिर्फ क्या देखने को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट थ्री थर्टी इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एवरीवन थर्टी फाइव नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन इज वेरी पॉपुलर इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट बिकॉज मोनोपोलिस्टिक मार्केट की एक लाइन है द फॉर्म कंपीट ऑन अ नॉन प्राइज कॉम्पिटिशन दे इनकर ह्यूज एक्सपेंसेज ऑन एडवर्टीजमेंट्स थ्री थर्टी एट डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कम्पेरेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड कर्व इज फाउंड इन मोनोपली सी मोनोपली में इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों कहा जा रहा है उसका एक रीजन समझा देता हूं शायद एक दो बार आप अटके भी हो क्योंकि मोनोपोलिस्ट अकेला सेलर है अगर इसको ज्यादा बेचना है तो इसको प्राइस कम करना पड़ेगा और मोनोपलिस्ट जब प्राइस कम करता है तो डिमांड बढ़ जाती है इसीलिए मोनोपोलिस्टिक की जो डिमांड कर्व होती है ये हमेशा इलास्टिक होती है और वो लेस देन वन में वर्क करता है है ना क्योंकि जब तक वो प्राइस कम नहीं करता इलास्टिसिटी बढ़ती नहीं इसीलिए वो लेस देन वन में भी वर्क करता है 341 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसलिए प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है थ्री फोर्टी सेवन तीन डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थे एक जिसमें कंज्यूमर सरप्लस खत्म हो जाता है एक जिसमें थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस बचता है और बचा हुआ तीसरा तो ये कौन सा हुआ Third degree of price discrimination, three fifty one. ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इज इट सी क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट कैसे चाहिए होमोजीनियस थ्री फिफ्टी एट परफेक्ट कॉम्पिटिशन थ्री सिक्सटी थ्री इज इट ऑल्सो कॉल्ड अ थीरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर थ्री सिक्सटी फोर इफ अ फॉर्म इन द टूथपेस्ट इंडस्ट्री ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है इफ ए फॉर्म इन टूथपेस्ट इंडस्ट्री हैव फॉलोइंग मार्केट शेयर विच मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे टूथपेस्ट के अंदर में सिर्फ इतने ही लोग हैं कैन आई से फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स कौन सा मार्केट हो गया बोलो ओलिगोपोली थ्री सिक्सटी सिक्स अ फॉर्म इन द ओलिगोपोली इज लाइकली टू दे विल ऑलवेज ट्राई टू बी अ प्राइज मेकर देख ओलिगोपोली है ओलिगोपोली के अंदर में फ्यू सेलर है हमेशा हर फर्म एक दूसरे के साथ कंपीट करके मोनोपोली बनना चाहेगा. तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू बी अ प्राइज मेकर समझ में आया क्वेश्चन कैसा बना था 371 सेवेंटी वन अंग डिमांड कर विज ऑल्सो नोनेस स्विज़ी मॉडल पूछो क्यों इसके ऑर्थर का नाम था पॉल स्विज़ी इसके ऑर्थर का नाम क्या था पॉल स्विज़ी चलिए थ्री सेवेंटी सिक्स कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री ये मॉड्यूल में भी है द स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इज इट ओलिगोपोली अरे भाई इंडिया में कोला बेचते ही कितने लोग हैं या तो कोला या तो पेप्सी बहुत हो गया तो कैंपा ओलिगोपोली 377 किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू एक्सप्लेन इट रिजिडिटी ऑफ प्राइस किंग डिमांड कर्व को हम प्राइस रिजिडिटी थियोरी भी बोलते हैं 385 एटी फाइव एंड आंसर वुड बी बी no need of any explanation. Yes, चलो जी बहुत जल्द ये चैप्टर हम खत्म करने आ रहे हैं Just give me a moment. थ्री hmm. नाइन्टी

सिंडिकेट ओलिगोपोली अगर सब लोग मिल करके काम करते हैं एक साथ फ्यू सेलर्स है और वो भी अगर मिलके काम करे तो क्या चलाते हैं सिंडिकेट अपन ने ओलिगोपोली लिखा है ना उसके नीचे नोट्स में टाइप ऑफ ओलिगोपोली लिखा है वहां पे है सीधा अच्छा ये अब कट कर सकते हो आप फोर जीरो थ्री ये सब आने भी नहीं वाले अब ये पुराने इसमें होते थे फोर जीरो वन पे आओ प्योर ओलिकोपोली इज बेस्ड ऑन मोजीनियस प्रोडक्ट एक जैसे प्रोडक्ट 409 बहुत सिंपल है आंसर इज ए फर्म हैज टू बिहेव स्ट्रेटेजिकली वेन इट मेक्स अ डिसीजन अबाउट इट्स प्राइस वाई बिकॉज ओलिगोबोली फर्म इंटर डिपेंडेंस पे वर्क करते हैं आपने प्राइस चेंज किया हो सकता है कॉम्पिटिटर चेंज ना करे फोर हंड्रेड एंड ट्वेल्व अकॉर्डिंग टू पिगू द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्राइस चार्ज टू इंडिविजुअल कैपेसिटी क्योंकि तभी जाकर के आपसे क्या लिया जा सकेगा कंज्यूमर सरप्लस 418 किंग डिमांड कर किंग डिमांड कर्व हाइवोथेसिस इज गिवन बाय ऑल स्विज़ी 222 ट्वेंटी टू सॉरी फोर ट्वेंटी फोर इन ओलिगोपोली द किंग ऑन द डिमांड कर्व इज मोर ड्यू टू याद कीजिए किंग फॉर्म क्यों होता है किंग फॉर्म इसलिए होता है कि आपने प्राइस बढ़ाया अदर नहीं बढ़ाएगा पर आपने कम किया अदर जरूर कम करेगा फोर ट्वेंटी सिक्स ओली को पोली ही फॉर्म दिख रहे पूरे मार्केट के अंदर में फोर थर्टी एट आप लोग की बुक में फोर थर्टी सेवन तक की है चलो फोर थर्टी सेवन कर लो इस आंसर बोथ थर्टी सेवन एमसी क्यू एंड आई थिंकोस्ट द होल्ड आपकी जिम्मेदारी है घर पर जाइए क्यू पूरे के पूरे डन कर दी जे ये नो तो हमने हमारा कमिटमेंट पूरा करा है सर अगले वीडियो के अंदर में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर फाइव का एमसी क्यू और फिर हमारा एक ही चैप्टर बच जाएगा मतलब आपका इस वीक मोस्टली थ्री टू फोर डेज के अंदर में पूरा इको का जो मेरा वादा था आपसे अलॉन्ग विथ एटीन हंड्रेड एम हर टॉपिक आएंगे वो हम पूरा कर रहे हैं ऑल द बेस्ट